हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम बार्बिटूरेट्स पॉइजनिंग क्या है, किस तरह से हम बार्बिटूरेट्स पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। सो ये जो हमारा पार्ट फोर्थ है इस वीडियो सीरीज़ का, जैसे कि हम प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी का ये पार्ट फोर्थ है। हमने पार्ट वन में डिस्कस कर रखा है क्या है टॉक्सिकोलॉजी और पॉइजन क्या होता है। पार्ट टू में हमने डिस्कस किया था क्या होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। पार्ट थर्ड में हमने देखा था क्या होता है एट्रोपिन पॉइजनिंग। और ये जो हमारा पार्ट फोर्थ है ये बार्बिटूरेट्स पॉइजनिंग, अगर आप वो भी पार्ट देखना चाहते हैं पार्ट वन टू थ्री, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी में देख सकते हैं। सो बार्बिटूरेट्स पॉइजनिंग स्टार्ट करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है बार्बिटूरेट्स पॉइजनिंग। जब हम बार्बिटूरेट्स ड्रग है उसकी अगर हम ओवरडोज लेते हैं, जब बार्बिटूरेट्स ड्रग की ओवरडोज लेते हैं तो उसके कारण जो पॉइजनिंग होता है उसे हम बार्बिटूरेट्स पॉइजनिंग कहते हैं। ये जो बार्बिटूरेट्स होता है ये हमारा डेरिवेटिव ऑफ बार्बिटूरेट्स डेरिवेटिव ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड ट्यूरिक एसिड। ये जो हमारे बार्बिटूरेट्स है ये डेरिवेटिव है बार्बिट्यूरिक एसिड का। यूज जो होता है बार्बिटूरेट्स का, जो यूज करते हैं हम सेडेटिव हाइपनोटिक्स में यूज करते हैं, सेडेटिव हाइपनोटिक्स में हम यूज करते हैं, और ट्रीटमेंट ऑफ इपिलिप्सी के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं बार्बिटूरेट्स को, इपिलिप्सी के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें बार्बिटूरेट्स ड्रग की, तो इस बार्बिटूरेट्स ड्रग को चार भागों में क्लासिफाइड किया गया है। बार्बिटूरेट्स ड्रग की क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट क्लास आता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, सेकंड जो आता है शॉर्ट एक्टिंग सेकंड क्लास शॉर्ट एक्टिंग, थर्ड क्लास आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, और जो फोर्थ क्लास आता है लास्ट क्लास लॉन्ग एक्टिंग। सो ये जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होती है ये 0.5 मीन्स आधे घंटे के अंदर अपना एक्शन शो करने लग जाता है। सो इसका ड्यूरेशन जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है 0.5 hours, आधे घंटे का। अगर एग्जांपल की बात करें एग्जांपल में हमारा आता है थियोपेंटल, मेथोहेक्सिटल। शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है शॉर्ट एक्टिंग 3 to 4 hours होता है। इसकी अगर ड्रग की बात करें एग्जांपल की बात करें तो इसमें आता है हमारा पेंटोबार्बिटल सैकोबार्बिटल। हाँ, इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारा आता है इसकी ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है 4 to 6 hours, और इसमें जो ड्रग आते हैं एमोबार्बिटल एप्रोबार्बिटल। और अगर हम इसकी लॉन्ग एक्टिंग की बात करें तो इसमें आती है 6 to 12 hours, इसमें आता है ड्रग जो नाम है मेफोबार्बिटल। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिटल, किस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। सो अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बार्बिटूरेट्स। हमें सिंपली पता है बार्बिटूरेट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्लोराइड चैनल को ओपन करता है, ये गावा रिसेप्टर पे एक्ट करके क्लोराइड चैनल को ओपन करता है जिसके कारण सेल को इनिविएट करता है। सो ये जो बार्बिटूरेट्स पॉइजनिंग होता है ये CNS डिप्रेसेंट के रूप में काम करता है, डायरेक्ट CNS डिप्रेसेंट करता है ये बार्बिटूरेट्स पॉइजनिंग से एंटी डिप्रेसेंट।
ये करता है बारबिटोरेट्स जो है बाइंड करता है गावा रिसेप्टर के साथ, बाइंड टू द गावा रिसेप्टर, टू गावा रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ बाइंड करके जिसके कारण कर देता है ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल, प्रोलॉन्ग द ओपनिंग ऑफ prolong the opening of chloride channel, opening of chloride channel. chloride channel open कर देता है chloride channel, जिसके कारण CNS का depression होता है, excitable cell होता है CNS का, उसको depress कर देता है, inhibit कर देता है, inhibit excitable cell of inhibiting excitable cell of CNS, VLE cell of central nervous system. So excitable cell होते हैं उसको inhibit करता है जिसके कारण CNS depression cause होता है. So इस तरह से जो इसका mechanism of action होता है barbiturates poisoning का. अब हम देखेंगे toxic effect of barbiturates. Toxic effect में जो mainly cause कर सकता है ये barbiturates अटाक्सिया कॉज कर सकता है, अटाक्सिया कॉज कर सकता है, कन्फ्यूजन कॉज कर सकता है, कन्फ्यूजन कॉज कर सकता है, हेडेक हेडेक, सीएनएस डिप्रेसेंट, सीएनएस डिप्रेसेंट, कोमा, और ये शॉक कॉज कर सकता है, सी के शॉक. अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट किस तरह से हम बारबिट्यूरेट्स पॉइजनिंग की कर सकते हैं. अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बारबिट्यूरेट्स पॉइजनिंग, किस तरह से हम बारबिट्यूरेट्स पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट कर सकते हैं. सो बारबिट्यूरेट्स पॉइजनिंग की जो इसकी कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, इसको हम बस इमरजेंसी और सपोर्टिव मेजरमेंट कर सकते हैं. सो देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीडोट, स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बारबिट्यूरेट्स पॉइजनिंग, इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, इसमें हम बस कर सकते हैं इमरजेंसी और सपोर्टिव मेजरमेंट, इमरजेंसी एंड सपोर्टिव मेजरमेंट कर सकते हैं, ESURE MENT मेजरमेंट कर सकते हैं. सो जो इमरजेंसी और सपोर्टिव मेजरमेंट, इसमें फर्स्ट एयरवे प्रोटेक्शन कर सकते हैं, वेंटिलेशन कर सकते हैं अगर कोमा, और ट्रीट कर सकते हैं अगर कोमा हो, हाइपरथर्मिया हो, हाइपोटेंशन हो और हाइपोथर्मिया हो तो उसको. सो सबसे पहले हम करते हैं एयरवे प्रोटेक्शन, हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा एयरवे प्रोटेक्शन. एयरवे प्रोटेक्शन करते हैं. सेकंड, अगर जरूरी हो तो वेंटिलेशन कर सकते हैं, वी असिस्टेड वेंटिलेशन, अगर जरूरी हो तो, इफ नेसेसरी. थर्ड, जो व्यक्ति को किया जाता है ट्रीटमेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, अगर कोमा में है तो फॉलोइंग जो मेडिसिन है उसके द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है, हाइपोथर्मिया है सो कंडीशन देख के पेशेंट की ट्रीटमेंट की जाती है. से अगर ट्रीट किया जाता है कोमा, हाइपोथर्मिया और हाइपोटेंशन अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन. सो ट्रीट किया जाता है कोमा, हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया और हाइपोटेंशन बाई डिफरेंट ये मेडिसिन से हम कर सकते हैं ट्रीटमेंट. एक एक करके देखेंगे, कोमा अगर हो, व्यक्ति कोमा में होगा तो उसको किस तरह से, हाइपोथर्मिया में होगा तो किस तरह से, अगर हाइपोटेंशन हो तो किस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं. सो सबसे पहले देखते हैं इफ़ कोमा में है बंदे, अगर पर्सन कोमा में है, अगर कोमा है तो हम फॉलोइंग ट्रीटमेंट प्रिफेयर करते हैं, जैसे कि डेक्सट्रोज देते हैं फॉर एडल्ट के लिए, डेक्सट्रोज फॉर एडल्ट, इसमें 50% सॉल्यूशन, 50% सॉल्यूशन, 50 ml IV इंट्रावेनस दे सकते हैं. और बच्चे के लिए हम दे सकते हैं फॉर चिल्ड्रन, DRN फॉर चिल्ड्रन के लिए इसकी डोज कम कर देंगे,
2.5% सॉल्यूशन 2 ml पर केजी इंट्रावेनस 2 ml पर केजी देते हैं हम। सो इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग जो प्रिफर करते हैं थायमिन, MINE थायमिन, इसमें हम देते हैं 100 mg इंट्रावेनस, 100 mg IV इंट्रावेनस देते हैं। इसके बाद जो ड्रग है नैलोक्जोन ALOXONE नैलोक्जोन, इसकी जो इनिशियल डोज दी जाती है 0.4 mg इंट्रावेनस दी जाती है, अगर फिर भी रिस्पांस नहीं है अगर इस डोज पे 0.4 mg इंट्रावेनस दी जाती है, अगर फिर रिस्पांस नहीं शो कर रहा तो इसकी डोज बढ़ा के 2 mg कर दी जाती है, 2 mg इंट्रावेनस दी जाती है, अगर फिर भी रिस्पांस नहीं दे रहा है तो हम 10 से 20 mg डोज दे सकते हैं, 10 से 20 mg इंट्रावेनस। सो इस तरह से अगर कोमा में है तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं, फॉलोइंग ट्रीटमेंट प्रिफर करते हैं डेक्सट्रोज थायमिन नैलोक्सोन। इसके बाद हम देखते हैं हाइपोथर्मिया की, फॉर हाइपोथर्मिया हमने कोमा के देख लिया, अगर कोमा में है तो हम कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रिफर कर सकते हैं, अब हम देखेंगे फॉर हाइपोथर्मिया। अगर पेशेंट, इसमें हम देखेंगे अगर पेशेंट इफ पेशेंट इन कार्डिक अरेस्ट, अगर पेशेंट जो है कार्डिक अरेस्ट, इफ इन कार्डिक अरेस्ट, REST अगर कार्डिक अरेस्ट में है तो हम उसे रीवार्म करते हैं स्लोली यूजिंग ब्लैंकेट, रीवार्म करते हैं स्लोली यूजिंग ब्लैंकेट, और उसे हम वार्म आईवी फ्लूइड भी देते हैं, वार्म आईवी फ्लूइड भी देते हैं। अगर कार्डिक अरेस्ट में ये जो था हमारा इफ इन नॉट इन कार्डिक अरेस्ट, अगर हमारा पर्सन जो है पेशेंट है अगर कार्डिक अरेस्ट में नहीं है तो नॉट इन कार्डिक अरेस्ट, इफ पेशेंट इज नॉट इन कार्डिक अरेस्ट, अगर कार्डिक अरेस्ट में नहीं है तो उसको हम रिवॉर्म करते हैं, स्लोली रिवॉर्म करते हैं ब्लैंकेट की मदद से उसे रिवॉर्म करते हैं और उसे वार्म आईवी फ्लूइड देते हैं। अगर पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में है तो इफ पेशेंट इन कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक अरेस्ट, तो इसमें जो हम करते हैं गैस्ट्रिक पेरिटोनियल लीवेज का यूज करते हैं, गैस्ट्रिक और पेरिटोनियल लीवेज विद वार्म फ्लूइड के साथ और CPR परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म CPR। सो अब देखते हैं वेंटिलेशन फिब्रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, फॉर वेंट्रिक्यूलर फिब्रिलेशन के लिए हम ब्रिटिलियम यूज करते हैं, LLATION फिब्रिलेशन के लिए हम करते हैं ब्रिटिलियम यूज, जिसकी डोज होती है 5 to 10 mg IV इंट्रावेनस IV होती है। अब हम देखेंगे अगर हाइपोटेंशन में है तो कौन कौन से ट्रीटमेंट हम प्रीफर करेंगे फॉर हाइपोटेंशन, TENSION देखेंगे कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रीफर करेंगे।